हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, टी टाइम। तो चाय बना रही है चिंकी और मुझे जाना है मार्केट में। अभी गुड्डू के पापा थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अभी मैं जगा दूंगी जब तक चाय बन जाएगी और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मुझे आज अपना एक जो रेड कलर का सूट है वो एक्सचेंज करके आना है, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। एक प्रीति भी मैरून कलर का ही लेकर आई थी और जो संजो दीदी ने छांटा था वो ग्रीन कलर वाला। तो जी चलो, खैर कोई बात नहीं, वो भी एक्सचेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डिफरेंट कलर में आज मैं लेकर आऊँगी। एक गुड्डू के पापा की टी शर्ट चेंज होगी, क्योंकि हम दो क्रीम कलर की टी शर्ट लेकर आए थे, एक मेरी पसंद की थी एक उनकी पसंद की थी। तो मैंने सोचा था अरविंद भैया क्रीम कलर वाली पहनेंगे क्योंकि ऐसे कलर ही उन्हें पसंद आते हैं। फिर उन्हें पसंद आ गई जो पिंक कलर की थी, लाइट पिंक, वो अच्छी लगी तो उन्होंने वो पहन ली थी। तो फिर मैंने सोचा इसमें से एक चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो जी अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, कपड़ों में मैंने प्रेस कर ली है। इसी वक्त चली गई है लाइट और चाचा जी निकाल लिया गाय का दूध, क्योंकि गाय जो है बोलना शुरू कर देती है अपना 4:30 बजे की टाइमिंग। चिंकी आज चाय में कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, चाय अच्छी सी बनाइए, कल तेरे पापा नाराज हो गए थे। ठीक है? नाराज तो मुझे पता कैसे हो गए थे कल। अच्छा। कल ना ठाकुर जी को चाय देना भूल गए और ठाकुर जी ना मन मन में कहा होगा आज इन्हें बता ही देता हूँ। तो आज के हमारे जो खास मेहमान है वे राजुल भैया और भाभी, और ये आए हैं मुजफ्फरनगर से स्पेशली मिलने के लिए। और सरप्राइज के रूप में हमें पता नहीं था, कॉन्टेक्ट तो था लेकिन इन्होंने बताया नहीं, हमें सरप्राइज दिया है। और पिछले 1-2 घंटे से हम बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और रेकमेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो जी बहुत अच्छा लगता है हमें भी ऐसे, और सरप्राइज के तौर पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई साहब का एक होटल है हाईवे पे, कौन से वाले? दीपमाला के नाम से भैया। दीपमाला मंसूरपुर के, हाँ जी, जोड़ुग्दे के पास भैया। तो एक दिन इनके होटल पे भी दावत करेंगे, वहाँ सब मिल के पार्टी वार्टी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। ऐसी होती है माँ की आत्मा, ये देखो अपने बच्चे के लिए छोड़ दिया और ये बच्चा ना उस पर भी पैर रख के खा रहा। चल बस जब बुब्बू भी पी ले, पे का छाला हा निकल गया यो। अरे अपनी माँ को खा लेना, जब तो तुझे दूध पियावेगी। 5:15 हो चुके हैं, अभी हम लोगों ने चाय भी पी ली। ये लोग चाय पी रहे, ये देखो उधर बाइक साफ हो रही। तो चलो जी चलते हैं। माता जी आपका भी कुछ सामान आना है क्या? कुछ नहीं आना, हमारी तो दवाई दुआई। वो कौन वाली आइसक्रीम आर उसी ने क्या कर दिया? हमारी तो तावली जिंदगी पूरी कर दी। और उसी कौन वाले देख रहे, चुन्ना लगाना इसे कहते हैं। देखा पिताजी को बता दूंगा, दे तुझे कौन वाले दे, दे बढ़िया वाले 10 रुपए की बिस्कुट आवेंगे। दे पिताजी ना कौन वाले। चलो इनका तो यही चलता है। हाँ चाय पत्ती, चाय की पत्ती ठीक है, चाय की पत्ती याद दुआ दी, सही करा। आज पिताजी ने रेडे का एक सामान बता दिया ट्यूब, लेकिन उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हमने कहा भाई साहब को फोन कर दियो, वे ले आवेंगे। तो अभी हम चलते हैं, जिस काम के लिए जा रहे वो कर देंगे, और 1-2 सामान किचन का है वो लेके आना है। तो भाई छोटू क्या कर रहा तू, सबसे लेट लतीफ है, क्या बात है? अभी तक खाना खा रहा? सब तो आराम कर रहे यहाँ बैठ के। है भाई नाक पे दीवा धर के चले, अब 5:30 बजे कहा मुझे, चलो बुढ़ाना चलेंगे मार्केट में सामान लेना। दो कपड़े तो एक्सचेंज के हैं, एक इसका सूट और एक मेरी टी शर्ट, अगर बदल लिए तो जब की बात है। वैसे हम ले जा रहे हैं अंदाजे, तो कंफर्म कुछ नहीं है। पहले करेंगे हम लोग सूट एक्सचेंज, और नजदीकी है यहाँ से दुकान, तो मार्केट में पड़ते ही आ गई। सूट मैंने एक्सचेंज कर लिया है और कलर मैंने अलग लिया है, की बार सिल्क में सूट लिया है। तो चलो जी अब करेंगे टी शर्ट इनकी एक्सचेंज और अब वहीं पे चलते हैं। दोनों चीज़ें बस यही काम था, और किचन का सामान याद रख के लाना मुझे, सिर्फ हमें बस इतना सा ही काम था। चलो जी अब चलते हैं मेन रोड, और यहाँ पर ट्रैफिक होता है काफ़ी ज़्यादा। चलो जी चलते जाओ आराम आराम से, जगह बनाते।
पहुंच गए स्टाइल ऑफ वियर और यहाँ पर कर देंगे चेंज और इनका ही काम है अब तो। चलो मोतिंग रिबॉन्डिंग कितने में करे, क्या चार्ज ले रही है? तो फिलहाल आज की शॉपिंग बहुत शॉर्ट रही है, दो एक्सचेंज के कपड़े दबे हुए हैं और जिस चक्कर में आए थे अभी आज आधा अधूरा मार्केट खुला है, कुछ मार्केट है बंद, लेकिन उम्मीद हमें जो बदलने वाली थी वो तो बदले गए हैं कपड़े। तो आज ना बाल सीधे करने वाली दुकान पर चलेंगे, आज चल तेरा काया कल करवा के लाऊं। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा जब मेरे पति देव ने कह दिया तो। चलो जी चलते हैं, नज़दीक ही है यहाँ से और फिर करेंगे और शॉपिंग थोड़ी सी। तो जी आए थे यहाँ से बालों के स्टूडियो में, बाल सुधे करवाने के 4,000 रुपये बताए और बाकी खर्चा जो है वो रहा अलग। तो मैं ये कह रहा मगर ये तो मैं भी सुधे कर दूंगा, तो मुझे दो ही दे दिए। आप पे नहीं होने के हैं, मेरे पे नहीं होने के। तो जी ये बुढ़ाना में हमारे ये स्टूडियो खुल गया बालों का, यहाँ एक एक बाल संवारा जाता है। तो ये कह रही थी सीधे करवा लूँ, मगर चल पूछ के आवाँगे क्या भाव कर रहे, भाव पता लग जाएगा तो फिर बजट बनावाँगे उसी हिसाब से। अरे ये मान नहीं रही, नहीं तो मैं भी कर सकूँ सीधे बाल, तो ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे मुझे, जैसे 2-3 घंटे में करेंगे। तो चलो जी काका, हमने जो कोटेशन थी वो बढ़वा ली। अब चलो बाकी का सामान खरीदते हैं भाई, जो रह गया है वो वाला। अभी यहाँ से भी कुछ सामान लेना था हमें, तो ये भी ले लिया हमने, छोटा मोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ऑन रोड ये सोफे हैं वर्धमान। तो चलो जी ये काम भी हो गया, मुझे चलते टाइम ही याद आया ये। और शर्ट इनकी 2-3 दुकानों पे हमने देख ली लेकिन मिल नहीं पाई, अभी सीजन ऑफ ही है क्या अभी शर्ट का है? बस हमारा तो सामान मिला नहीं, हम तो शॉपिंग करवाना है और बस नु ही चले जाओ। खाली आती है, खाली आती है, हम तो अपनी शर्ट देखने आए थे। तो भाई मेरे साइज की शर्ट नहीं मिली, बता भाई। एक काम करो, अभी नहीं हूँ मैं, कपड़ा ले लो और उसकी सिलवा लो। हाफ में चाहिए थी मुझे और हाफ में शर्ट मुझे मिले नहीं। तो फिलहाल जो है बस बिना शॉपिंग के छोटे मन से ही जाना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा बड़ा मन है नहीं। आइसक्रीम लाया कौन इस टाइम? आइसक्रीम खा रहा दिन चिपरा। घर पहुंच गए रात ही बोल रहे आइसक्रीम नहीं लाए। देखियो जी शाम का मौसम है और चेंज हो रहा मौसम, आइसक्रीम ये देखो मुंह कैसे बन गए इनके, ये बसरे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएंगे। ले भाई ये खा, मखाने तेल तेल चा की पत्ती और ये बनाओगे हम गुंजिया, उसके लिए लाए आटा, ये ठीक है ना? लो खूब खाओ मखाने भून भून के। तो ये तो हो गया किचन का राशन। दो सामान बताए थे वैसे मैं चार ले आई। ये इनकी टी शर्ट येल्लो कलर की, येल्लो कलर ये वाला नहीं पहरा इन्होंने, ये देखो वो लाइट येल्लो है जो उन सब पूरी स्लीव्स का पहन लग रहा है ये सर्दियों में। स्वेट शर्ट ये होगी टी शर्ट, इतने कलर आवागे कहाँ थे, रिपीट तो पहनने ही पड़ेंगे। ये की बार सूट का कलर बड़ा यूनिक सा है, आपने देखा नहीं होगा मेरे पास ये वाला कलर, माँ कह रही देखते ही ये अच्छा लग रहा, इसी वजह से मैं यही लेके आई अब की बार। अस्तर वाला सूट है ये और ये सिल्क में और दुपट्टा है इसका ये वाला, देखो सूट कैसा बना दिया और दुपट्टा कैसा बना दिया मैचिंग के लिए। और जब सिल्क है ये साइड में दुपट्टा लगाया जाएगा तो तभी अच्छा लगेगा, कैसा लग रहा? और उससे सस्ता, पैसे भी वापसी मिल गए। तुम कह रहे थे इतने का लोगे, मगर कोई बात नहीं पसंद आया चाहिए, बस ये काम था आज का हमारा जरूरी। हमने शर्ट तो ट्राई करी कई सारी दुकानों पे लेकिन मिल नहीं पाई इत्तेफाक से, क्योंकि ना 15 तारीख में एक जगह जाना और इस वजह से ये सोच रहे थे मिल जाती, मैंने कहा कपड़ा ले लो इतने सिल जा तो, पर सिलने की भी नहीं क्योंकि साया है ना उस टाइम का। हमें भी लेके चलोगे के साथ में? तू भी चलेगी तो ऐसा मुँह में क्यों दे रही है ऐसे, निकाल दे बेटा भून कर देवेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? वो पीनी जब तक सो के नहीं। क्या बन रहा भाई? केक चॉकलेट केक एंड ब्लैक केक। चॉकलेट केक आई एम ब्लैक। बिस्कुट का चूरा कर दिया या? ऐसे ही बनेगा केक? हाँ हमने पहले भी बनाया था। अरे किसने दी सलाह तुम्हें या? हम खुद करेंगे। हाँ हैं? हाँ अरे क्रीम नहीं डालनी इसमें, ये बच रही। हाँ क्रीम भी डाल दो, बिस्कुट फोड़ दो सारे। आज नंदनी किस टाइम तक सोवेगी गुड्डू? पता नहीं, इसे उठाने की कोशिश नहीं करी, जगा दो खाना खुना खावेगी नहीं तो फिर रात में परेशान करेगी। या और तू क्या कर रही? पढ़ रही। पढ़ रही क्या पढ़ रही? नाम बता इस सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट के?
एसएसटी के एसएसटी का पेपर है। ठीक है, तो क्या बनाया तुमने वो केक? दिखाइए क्या बनाया यू केक। केक आज सिखा रही क्यों? परेशान कर रहे? ये उठ नहीं रही यार। रात को अपनी मम्मी को बेड पर हम सुना रहे, एक हाथी था एक शेर था, इसकी मम्मी ने सोया। बीमार हो मेरे। और किसका मारू? ओ गेर न दिए पिटाई कर दूंगी अन्नी का, ज्यादा सिर बहरा हो रहा हो। और तू क्या कर रही? अर्जी तो सारा केक बिलान कर रही खाली। ए परेशान ना करो इसे। अर्जी कहाँ है? देख दोनों तरफ ले जल्दी, देख ऐसे बन लेगी। सारे के सारे बच्चे चप्पल लेकर तैनात है, अभी इसकी पिटाई करेंगे। माँ ये कहे चप्पल से मारेंगे, ये कहेंगे चल कादा आई। और ये सबसे कैडी नजर लग रही नंदनी के, ये खाना नहीं खा रही कई दिन से। अरे बोल, लै भी तो एक्सपर्ट है बोलने में, जाता है।